वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इंडिया। मेरा नाम है सरिता सिंह। आज के वीडियो लेक्चर में हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूल्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी प्रोनाउन को हमने डिस्कस करा है, उसके टाइप्स को और प्रोनाउन के कुछ रूल्स को हमने डिस्कस करा है। वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूल्स को डिस्कस करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का रूल यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट टू विच इट रेफर्स। मतलब कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करके, इशारा करके बताते हैं कि ये उसका है, ये चीज उसकी है। तो ये होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इन्हीं से रिलेटेड, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड ही कुछ रूल्स को देखते हैं। तो देखिए, वो पहला रूल क्या है। तो इसका जो पहला रूल है वो है दिस एंड दीज फॉर थिंग्स नियर टू अस। जैसा कि आपको पता है कि दिस दैट दीज दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उनमें से जो दिस एंड दीज है, ये जो नियर बाय चीजें हमारे होती है, हमारे पास होती हैं, उनके लिए दिस और दीज का यूज होता है। नेक्स्ट है दैट एंड दोज फॉर थिंग्स एट डिस्टेंस। मीन्स कि दैट एंड दोज का यूज हम उन चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए बताते हैं जो हमसे दूर होती है, जो हमसे डिस्टेंस पर होती है। नेक्स्ट इसका जो पॉइंट है वो है दिस एंड दैट आर सम टाइम यूज्ड टू रिफर टू व्हाट इज सेड इन अ होल सेंटेंस और अ क्लॉज। तो जैसा कि आपको पता है कि दिस दीज दैट दोज ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दिस एंड दीज का यूज नियर बाय चीजों के लिए होता है एंड दैट एंड दोज का यूज जो चीजें हमसे दूर होती हैं उनके लिए होता है। बट यहां पर ये पॉइंट है दिस एंड दैट, जो दिस एंड दैट है वो समटाइम यूज्ड होता है टू व्हाट इज सेड इन अ होल सेंटेंस और अ क्लॉज। जब सेंटेंस में किसी एक होल चीज के बारे में हम बताते हैं या एक पूरे क्लॉज के बारे में बताते हैं तो वहां पर भी दिस एंड दैट का यूज होता है। एग्जांपल्स देखते हैं इसके, जैसे कि महात्मा गांधी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ दैट इज ट्रू। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज हुआ है। तो यहां पर जिस दैट का यूज हुआ है, जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज हुआ है, वो रेफर कर रहा है इस पूरे सेंटेंस से। ये जो सेंटेंस है महात्मा गांधी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, ये जो पूरा सेंटेंस है इसी को ही रेफर कर रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट। मींस कि महात्मा गांधी जी ने ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलते थे और ये बात सच है, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो ये जो एक पूरा सेंटेंस है इसमें भी दैट का यूज हुआ है इसको बताने के लिए कि जो बात कही गई है वो सच है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, आई हैड टू मीट माई मैटरनल अंकल यस्टरडे बट दिस, ये देखिए यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का यूज हुआ है, बट दिस वेंट आउट ऑफ माई माइंड। तो यहां पर एक ही पूरा सेंटेंस है, आई हैड टू मीट माई मैटरनल अंकल यस्टरडे, तो ये एक पूरा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को रेफर करने के लिए, इस सेंटेंस को बताने के लिए भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का यूज हुआ है। मींस कि मुझे कल अपने मैटरनल अंकल से मिलना था, अपने चाचा से मिलना था, बट दिस वेंट आउट ऑफ माई माइंड, बट ये जो बात है ये मेरे दिमाग से निकल गई थी। तो यहां पर ये जो सेंटेंस है उसी के लिए ये दिस का यूज हुआ है। मींस ये जो पूरा सेंटेंस है I had to meet my maternal uncle yesterday, ये जो पूरा एक sentence है इसी के लिए ही demonstrative pronoun this का use हुआ है। Next इसका point है that or those is used to avoid repetition of a noun। यहां पर ये कहा गया है कि that and those का use होता है एक sentence में noun के repetition को रोकने के लिए, to avoid the repetition of noun mention in a sentence। means किसी भी sentence में noun के repetition को रोकने के लिए या noun का repetition ना होने के लिए भी जो demonstrative pronoun है that and those उसका use होता है। example से इसको समझते हैं, जैसे कि the
क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज लाइक दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहां पर इस सेंटेंस में आप ये देखिए कि द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज लाइक दैट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ऑफ वेस्ट बंगाल। तो यहां पर अगर ये जो वर्ड क्लाइमेट है ये नाउन है, इसका रिपीटेशन ना को अवॉइड करने के लिए ही यहां पर ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज किया गया। अगर हम ये नाउन जो वर्ड है, नाउन क्लाइमेट है, इसको हम इस सेंटेंस में रिपीट करते तब ये सेंटेंस कुछ ऐसे होता, द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज लाइक द क्लाइमेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो क्लाइमेट जो यहाँ पर नाउन है उसको रिपीट ना करने के लिए भी, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन दोज ऑफ यूरोप। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोज जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इस सेंटेंस में भी रिवर जो है वो नाउन है, ये जो वर्ड रिवर है ये नाउन है, इसको सेंटेंस में रिपीट ना करने के लिए यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दोज का यूज हुआ है। जैसे कि अगर हम ये जो वर्ड रिवर है, जो वर्ड नाउन रिवर जो नाउन है, इसको अगर हम रिपीट करते तब ये सेंटेंस कुछ ऐसे होता, द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर देन द रिवर्स ऑफ यूरोप। तो नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए भी दैट एंड दोज का यूज यहाँ पर इस सेंटेंस में हुआ, यहाँ पर दैट का यूज हुआ है, यहाँ पर दोज का यूज हुआ है। लास्ट इसका जो पॉइंट है वो देखते हैं क्या है, व्हेन टू थिंग्स ऑलरेडी मेंशन दिस रिफर टू द थिंग लास्ट मेंशन दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट टू द थिंग्स फर्स्ट मेंशन। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि अगर कोई दो चीजें यूज होती है एक सेंटेंस में, मेंशन दिस, तब वहां पर जो दिस का यूज है, दिस जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है उसको हम उसको यूज करेंगे रिफर टू द थिंग्स लास्ट मेंशन। तो दिस का यूज हम करेंगे अगर एक सेंटेंस में हमने दो चीजों के बारे में बात की है, तो दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हम करेंगे सेंटेंस में जो चीज हमने लास्ट में मेंशन करी है। दैट अब जो दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दैट टू द थिंग्स फर्स्ट मेंशन, और वर्ड दैट का यूज मींस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज हम उसी सेंटेंस में जो चीज हमने फर्स्ट मेंशन करी है, जो हमने पहले मेंशन करी है उसके लिए करेंगे। एग्जांपल देखते हैं इसका, जैसे कि वर्च्यू एंड वाइस। यहाँ पर दो चीजों के बारे में बात हो रही है, एक वर्च्यू के बारे में बात हो रही है एंड एक वाइस के बारे में बात हो रही है। वर्च्यू एंड वाइस ऑफर देमसेल्फ फॉर योर चॉइस दिस। अब यहाँ पर जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस का यूज हुआ है, तो जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं वो यूज हुआ है वाइस के लिए। अब आप यहाँ पे देखिए कि वर्च्यू तो हमने पहले बता दिया है, वर्च्यू एंड वाइस, तो जो वाइस जो नाउन है इसके लिए हमने यूज करा है दिस को, क्योंकि ये लास्ट में मेंशन है। नेक्स्ट है इसका, लीड्स टू मिजरी दैट वर्च्यू टू हैप्पीनेस। और यहां पर जो वर्च्यू है इसके लिए हमने जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किया है वो है दैट। तो यहां पर ये बताया गया है कि अगर एक ही सेंटेंस में दो चीजें आती है, वर्च्यू एंड वाइस, तो यहां पर जब हम दिस एंड दैट का यूज करेंगे तो हम ये चीज ध्यान में रखेंगे कि हमने जो लास्ट में जो थिंग बताई है, जैसे वर्च्यू एंड वाइस में हमने वाइस के बारे में बाद में बताया है, तो वाइस के लिए हम जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे वो होगा दिस, एंड क्योंकि वर्च्यू के बारे में हमने पहले बात बताई है, वर्च्यू पहले आया है, तो वर्च्यू के लिए जिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है वो है दैट। तो यहाँ पे हमने ये समझा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रोल्स में कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस एंड दैट, दीस एंड दोस ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस एंड दैट ये हम इन अ सिंगुलर वे में यूज करते हैं, एंड दीस एंड दोस हम इन अ प्लूरल वे में यूज करते हैं। दिस एंड दीज जो चीजें हमारे नियर होती है उनके बारे में हम बताते हैं, एंड दैट एंड दोज जो चीजें हमसे दूर होती है उनके बारे में बताते हैं। सेकेंड पॉइंट में ये था,
कि समटाइम ये जो हमारा दिस एंड दैट है ये पूरे सेंटेंस के बारे में, पूरे क्लॉज के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जो कि यहाँ पर है महात्मा गांधी ऑलवेज स्पोक द ट्रूथ। ये एक होल सेंटेंस है, इसके बारे में जिस डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन ने बताया है वो है दैट। नेक्स्ट इसका जो ये पॉइंट था वो था दैट एंड दोज इज यूज टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ अ नाउन मेंशन इन अ सेंटेंस। That and those का यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट ना करना पड़े, अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, उस कंडीशन में हम that and those का यूज करते हैं। एग्जाम्पल उसके थे द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा इज लाइक दैट ऑफ वेस्ट बंगाल। यहाँ पर क्लाइमेट नाउन आया है, इसको दो बार हमने रिपीट नहीं करा है, उसकी जगह हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करा है। लास्ट इसका एग्जांपल था कि अगर एक सेंटेंस में हम दो चीजों के बारे में बता रहे हैं, दो चीजें मेंशन हो रही हैं, उसमें से जो लास्ट में जो चीज मेंशन करी गई है उसके लिए जिस डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होगा वो है दिस, और जिस चीज के बारे में हमने पहले बताया है, जैसे कि यहाँ पे वर्च्यू के बारे में हमने पहले बताया है, तो वर्च्यू के लिए यहाँ पे जिस डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज होगा वो है दैट। तो आज हमने डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड रूल्स को डिस्कस करा है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।